24 घंटे भी नहीं टिक पाया टीम इंडिया का टीदर का यह विश्व रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने की बराबरी। भारत बांग्लादेश के बीच राजकोट में गुरुवार को खेले गए 3 मैच की सीरीज के दूसरे टीडट मैच में भारत ने जीत दर्ज कर टीडट में ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की थी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दूसरे टीडट मैच में भारत की जीत से पहले ऑस्ट्रेलिया ने टीडट अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक 40 मुकाबले जीते थे। बांग्लादेश पर जीत के साथ ही भारत फटाफट क्रिकेट में 41 जीत के साथ सबसे आगे हो गया था, लेकिन भारतीय टीम का यह रिकॉर्ड 24 घंटे भी नहीं टिक सका। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को पर्थ स्टेडियम में खेले गए पाकिस्तान को 10 विकेट से मात देकर टीडट अंतर्राष्ट्रीय में भारत के 41 जीत की बराबरी कर ली है। इस मुकाबले में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 106 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरोन फिंच और डेविड वार्नर की आतिशी बल्लेबाजी ने मैच को 12वें ओवर में ही खत्म कर पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। भारत ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 61 बार दूसरी पारी खेली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 70 बार दूसरी पारी खेलने का मौका मिला है। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान ने 67 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा किया है और 36 बार जीत हासिल करने में कामयाब रही है। बता दें कि रविवार को भारत के पास ऑस्ट्रेलिया के टीडट रिकॉर्ड को एक बार फिर से तोड़ने का सुनहरा मौका होगा। भारत 10 नवंबर यानी रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा और आखिरी टीडट मैच खेलेगा। इस मुकाबले में जीत के साथ भारत न सिर्फ सीरीज में जीत हासिल करेगा बल्कि टीडट मुकाबलों में 42 जीत के साथ सबसे आगे हो जाएगा। ICC टीडट रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान इस समय टॉप पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे और टीम इंडिया 5वें स्थान पर है।